मां तनुजा को काजोल तनीषा ने दिया खास सरप्राइज। दोनों बहनों ने मिलकर किया मां के घर को रेनोवेट। जूते उतार कर काजोल ने घर को किया नमस्कार। जरा डालिए इस खूबसूरत नजारे पर अपनी एक नजर, जहां देखने को मिला है मुखर्जी परिवार का ये प्यार भरा अवतार। आखिर बात और मौका दोनों ही बहुत खास जो थे। यूं तो सिंघम की बीवी काजोल और उनकी छोटी बहन तनीषा मुखर्जी का अपनी मां और गुजरे जमाने की दिग्गज अदाकारा तनुजा संग बॉन्ड किसी से छिपा ही नहीं है। ये बात तो जग जाहिर है कि मां तनुजा के लिए काजोल और तनीषा हर समय उनके साथ खड़ी रहती हैं। वहीं इस बार तो इन दोनों बहनों ने मिलकर अपनी मां को एक खास सरप्राइज भी दे दिया है, जिसे देख तनुजा भी इमोशनल हो गई हैं। दरअसल काजोल की छोटी बहन तनीषा मुखर्जी ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप पोस्ट की, जिसमें उन्होंने सरप्राइज की झलक फैंस के साथ शेयर की है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने ये भी बताया है कि तनुजा के लिए उन्होंने उनके लोनावला वाले आलीशान घर को रेनोवेट करवा दिया है। वीडियो की शुरुआत घर के मेन गेट के पास से होती है, जहां कुछ लोग खड़े हुए हैं। इस बड़े से दरवाजे के पास एक रेड रिबन भी लगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके बाद काजोल, तनीषा मुखर्जी और तनुजा अपने पपी पेट्स के साथ एक कार में वहां पहुंचते हैं और फिर तीनों हंसते हुए रिबन काटती नजर आती हैं। इस वीडियो में उनके आलीशान घर की झलक भी दिखाई दी है। तनुजा ने घर में प्रवेश करने से पहले अपनी चप्पल उतार दी और अपने घर के फर्श को छुआ, तो दोनों बहनों ने भी ऐसा ही किया। घर को चारों ओर से देखते हुए काजोल ने तनीषा को पीछे से गले लगा लिया और वो इस दौरान भावुक भी हो गई। इस दौरान जहां तनुजा ने ब्लैक, व्हाइट और रेड एथनिक वेयर पहना था, वहीं काजोल ने हरे रंग का टॉप और ग्रे पैंट पहन रखी थी, जबकि तनीषा ने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। इस खूबसूरत वीडियो को शेयर करते हुए तनीषा ने कैप्शन में लिखा, और फाइनली हमने लोनावला में माँ के घर का काम पूरा किया और 8 महीने बाद उन्हें दिखाया। फैंस भी इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। कई तो काजोल और तनीषा का माँ के लिए ऐसा प्यार देख उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। बता दें कि तनुजा अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनका खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। तनुजा काफी कमजोर हो गई हैं। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत की वजह से वो पब्लिकली ज्यादातर नजर भी नहीं आती हैं। ऐसे में उनकी छोटी बेटी तनीषा तो उनके साथ ही रहती है। तनीषा ने आज तक शादी भी नहीं की है। तनुजा का जुहू में एक बंगला है, जहां वो अपनी छोटी बेटी के साथ ही रहती हैं। इस घर में तनुजा के दिवंगत पति शोमू मुखर्जी की यादें भी मौजूद हैं। वहीं काजोल भी हर खास मौके पर मां तनुजा के साथ खड़ी रहती हैं। बीते ही दिनों काजोल की हालिया रिलीज फिल्म सलाम वेंकी की स्क्रीनिंग के दौरान काजोल को उनकी मां तनुजा और बहन तनीषा के साथ देखा गया था। तो कभी वो उन्हें शॉपिंग पर लेकर जाती हैं, तो कभी उनके साथ क्वालिटी टाइम भी बिताती नजर आती हैं। इसके अलावा काजोल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी और अपनी फैमिली की तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।